अस्सलाम वालेकुम गाइस। फोर व्हील खड़ी हुई है, 3600 सीसी, RKR फोर व्हील, आर्मी ऑप्शन जिसे कहते हैं। ये देख लीजिए, 150 हाई जेट मौजूद है, वाइट कलर में, जापानी मॉडल है, 12 की इंपोर्ट है, 18 की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी फुल जेन्युइन कंडीशन में है, 660 सीसी। ये है ऑल्टो, 2012 की गाड़ी है, 2016 की रजिस्ट्रेशन है, जापानी है बाहर की। स्कल्टस 2007 का मॉडल है, बाहर से इसमें टचअप है, शॉवर है, अंदर से जेन्युइन है, फर्स्ट ओनर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर हैं। गाइस ये है सुजुकी मेहरान 2012 मॉडल, काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में है, ओवरऑल गाड़ी जेन्युइन है, सिर्फ थोड़ा सा ये वाला दरवाज़ा जो है थोड़ा सा टचअप है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है ऑल्टो 2012 की गाड़ी है, 2016 की रजिस्ट्रेशन है, जापानी है बाहर की। ये देख लीजिए, मैं आपको इसकी लेफ़्ट साइड दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए लेफ़्ट साइड। इसमें मैं आपको बता दूँ गाइस, आपको ऑटो ट्रांसमिशन मिलेगी, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज़ है इसके साथ, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं पे कोई टचअप वगैरह नहीं है, शॉवर वगैरह नहीं है, ओरिजिनल जेन्युइन हालत में। ये देखिए साइड में आपको थोड़े से यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे स्क्रैचेस, ठीक है, इसका भी हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई टचअप वगैरह या शावर तो नहीं हुआ हुआ। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा शावर हुआ हुआ, लेकिन बहर हम पूछ लेंगे। ये देख लीजिए इसकी बैक साइड है, उसके बाद ये देख लीजिए इसकी लेफ़्ट साइड। चलिए इसका इंटीरियर दिखाते हैं, इंजन रूम दिखाते हैं आपको। गाइस ये देख लीजिए, बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा सा इंटीरियर है इसका। ये देख लीजिए आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे आपको जो है वो स्पेस मिल जाती है कुछ रखने के लिए, लेदर कुशनिंग वगैरह हुई हुई है ऑलरेडी, वही जेन्युइन ये मेरे ख्याल से करवाई भी इन्होंने लेदर कुशनिंग, ठीक है, बड़ी साफ़ सुथरी लेदर कुशनिंग है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। यह देख लीजिए आपको ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाती है, एसी वगैरह ओके है, पावर स्टेयरिंग के साथ है। चलिए अब इसकी बैक साइड पे देखते हैं, सॉरी ज़्यादा तेज़ बंद हो गया दरवाज़ा। अच्छा जी ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए गाइस लेदर कुशनिंग वगैरह आपने देख ली। चलिए अब जो है इसका इंजन रूम दिखाते हैं, ये देख लीजिए गाइस इंजन रूम। इंजन रूम देख लीजिए गाइस आप लोगों के सामने है, चलिए ओनर से मिलते हैं और पूछते हैं गाड़ी के बारे में। सर बताइएगा गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी जो है जापानी अल्टो है, ठीक है, 12 का मॉडल है, ठीक है, और ये 16 की जो है रिकंडीशन है, रजिस्टर्ड है 16 की रजिस्टर्ड है, रिकंडीशन नहीं है, रजिस्टर्ड है ना, 16 की ही रिकंडीशन भी हुई हुई है। अच्छा रिकंडीशन हुई हुई है, ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती है, ये रिकंडीशन ही होती है। अच्छा ठीक हो गया, सही है। और बताइए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं, CPL वगैरह बिल्कुल, इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, कोई एक्सीडेंट जो अपना टैक्स पैड है वो अगले साल की 22 जून की जून तक की क्लियर है, ठीक है। ये बताइए कोई इसमें एक्सीडेंट वगैरह, कोई शावर, कुछ कोई भी ऐसा शावर वगैरह नहीं है, जेन्युइन कंडीशन है, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। ये लेदर कुशनिंग आपने खुद करवाई भी ना ये वाली, तो जी कौन सी, ये जो लेदर करी हुई है कुशनिंग वगैरह, जी जी बिल्कुल, ये कुशन तो चेंज ही होते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसके जेन्युइन लगे हुए, जेन्युइन अंदर लगे हुए हैं, उसके ऊपर कुशन चढ़ाए हुए। अच्छा ये बताइए एसी वगैरह कैसा है, क्या कंडीशन है, माइलेज कैसी दे रही है, ये 25 की माइलेज दे रही है, 24 से 25 की, ठीक हो गया, एसी बिल्कुल ओके इसका, ठीक है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं सर, हमने इसकी डिमांड करी है 1270 की, 1270 की डिमांड करी है हमने, 1270 की डिमांड कर रहे हैं आप, और फाइनल कितने में दे देंगे, फाइनल जो बंदा ऑफर देगा हम उसको तकरीबन जो है 1220 में भी दे देंगे, 1220 तक में दे देंगे जी। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि आपसे रब्ता कर लें जी, 03 10 8 20 66 00, ठीक है गाइस। गाड़ी आपने देख ली, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल गया, गाड़ी समझ में आ गई तो आप सर से रब्ता कर लें 15 दिन के अंदर। गाइस ये है सुजुकी मेहरान 2012 मॉडल,
काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में है, ओवरऑल गाड़ी जेन्युइन है। सिर्फ थोड़ा सा ये वाला दरवाज़ा जो है थोड़ा सा टचअप है, ओवरऑल गाड़ी जो है वो जेन्युइन कंडीशन में है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट से, आपने देख ली। अब ज़रा राइट साइड से देख लीजिए गाइस, ये गाड़ी की कंडीशन है। लेफ्ट से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है गाड़ी। सिर्फ वो वाला दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया, वो थोड़ा सा उधर टचअप मिलेगा आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, बैक पे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें एसी और पेट्रोल पे है गाड़ी, सीएनजी नहीं है। एसी ओके है इसका, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है। अब ज़रा इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए गाइस, साफ सुथरा इंटीरियर है। ये देख लीजिए सीटों पे जो है आपको कवर भी, सॉरी प्लास्टिक भी नज़र आ रहा है। जेन्युइन लेदर कुशनिंग जो वगैरह जो इसकी होती है वही है, लेकिन साथ साथ प्लास्टिक भी लगा हुआ है, तो गाड़ी को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देख लीजिए गाइस, गाड़ी की कंडीशन आपको आइडिया हो जाएगा। ये दरवाज़ा इससे ज़्यादा नहीं खुल रहा। ये देखिए, सीएनजी इंस्टॉल नहीं है, पेट्रोल पे है और एसी ओके है। चलिए इसका इंजन रूम देखते हैं। ये देख लीजिए गाइस, इंजन रूम बड़ा साफ़ सुथरा इंजन है, इंजन रूम भी बहुत इटसेल्फ साफ़ सुथरा है। ये देखिए, पूरा इंजन रूम देख लीजिए, साफ़ सुथरा है। क्या मांग रहा बेटा इसके? ये देखिए, ये इंजन देखिए, साफ सुथरी कंडीशन में गाइस। चलिए ओनर से मिलते हैं, डिमांड पूछते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, गाड़ी के बारे में बताएं थोड़ा सा। गाड़ी भाई 2018 का मॉडल है, ठीक है। फर्स्ट ओनर है, ठीक है। पेट्रोल पे, ठीक है। एसी ऑन है, ठीक है। टोटल गाड़ी जेन्युइन है, टोटल गाड़ी जेन्युइन है। सिर्फ वो साइड डोर आपने बताया थोड़ा सा वो आपको बताया है। ओवरऑल जेन्युइन है, अंदर से सब चीज़ें ओके। गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं, एक रुपए का भी काम नहीं है। गाड़ी खरीदो और चलाओ। टायर भी नए डाले हुए हैं गाइस, एक हफ्ता हुआ है। ये देख लीजिए जरा, मैं आपको दिखा दूँ, एक हफ्ता हुआ है, टायर नए डले हुए हैं। अच्छा, चारों टायर नए डले हुए हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कहीं पे कोई एक्सीडेंट या किसी किस्म का कोई इशू नहीं है? ओवरऑल गाड़ी जेन्युइन हालत में, कोई एक्सीडेंट नहीं है, जैसे कि आपको शुरू में बताया। ये बताइएगा, कागजात डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं? सीपीएलसी टैक्स वगैरह सब क्लियर है? सब क्लियर है। तो सर, अब सवाल आ जाता है डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड इसकी भाई 9.5 लाख डिमांड की हुई है, ठीक है। और 9,30,000 तक छोड़ देंगे। 9.5 लाख डिमांड है, 9,30 तक दे देंगे। इसमें मैं आपको बता दूं गाइस, सीएनजी नहीं है, पेट्रोल पे है, लेकिन एसी वगैरह मौजूद है और ओके है, ठीक है। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 0301-2286-335। ठीक है गाइस, गाड़ी आपने देख ली, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गया। गाड़ी समझ में आए तो सर से रब्ता कर लीजिए, लेकिन अब से लेके 15 दिन के अंदर अंदर रब्ता करना है आपने। गाइस, कल्टस 2007 का मॉडल है, बाहर से इसमें टचअप है, शॉवर है, अंदर से जेन्युइन है, फर्स्ट ओनर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर हैं। गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए फ्रंट, ये देख लीजिए इसकी राइट साइड, अलॉय रिम इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। अच्छा जी, ये आ जाते हैं इसकी लेफ्ट साइड, ठीक है गाइस। चलिए इसका बैक साइड दिखाता हूँ आपको, फिर इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए गाइस, ये इसकी बैक साइड है। चलिए इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए गाइस, ये कंडीशन है आपके सामने।
चलिए गाइस इसका इंजन रूम देखते हैं और ऑनर से पूछते हैं। ये देख लीजिए गाइस, ओवरऑल इंजन रूम मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद इसका इंजन भी दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए गाइस, ठीक है चलिए अब इसकी डिमांड पूछते हैं। सर गाड़ी के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। जी जी, 2007 मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट ओनर है, फाइल कंप्लीट है, टैक्स पेड है, नंबर प्लेट ओरिजिनल है, अपना इंजन है इसका और 630 डिमांड है इसकी। 630 डिमांड कर रहे हैं, इसमें कोई काम तो नहीं है, कोई काम इंजन में किसी चीज़, एसी सीएनजी पेट्रोल सब चीज़ वर्किंग में, सब चीज़ वर्किंग में है। 630 डिमांड कर रहे हैं, फाइनल कितने हो जाएंगे? फाइनल 6 हो जाएंगे सर। 6 हो जाएंगे, तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 3010022185। गाइस गाड़ी आपने देख ली, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गया, गाड़ी समझ में आए तो सर से कॉन्टैक्ट कर लें 15 दिन के अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देख लीजिए डायट्सो हाईजेट मौजूद है वाइट कलर में, जापानी मॉडल है, 12 की इंपोर्ट है, 18 की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी फुल जेन्युइन कंडीशन में है, 660 सीसी, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, एसी, ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाएगी। ये मैंने आपको फ्रंट से दिखाई, ये देख लीजिए राइट साइड से, ठीक है, कंडीशन बिल्कुल जेन्युइन है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ओके है, फर्स्ट ओनर है। ये देख लीजिए राइट साइड से भी देख लीजिए ज़रा, सॉरी लेफ्ट साइड से। चलिए इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको, बैक दिखाते हैं। ये देख लीजिए गाइस, ये इसकी बैक साइड है, ठीक हो गया। चलिए हम इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए गाइस, पावर विंडोज आपको मिल रही हैं यहाँ पे, कंडीशन आप लोगों के सामने है। ये देख लीजिए एलसीडी लगी हुई है, लेकिन वो ऊपर ग्लास डैमेज है, आई डोंट नो कि वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। बाकी ये देख लीजिए लेदर कुशनिंग वगैरह है यहाँ पे, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, पावर स्टेयरिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जापानी गाड़ी है। बैक पे आपको उसी तरीके की जापानी सीटिंग मिलेगी, नहीं बल्कि बैक पे बेहतर हुई होगा बस। ये देख लीजिए बैक पे आपको दो सीटिंग यहाँ पे मिल जाती हैं लेदर कुशनिंग के साथ, और पीछे जो है ना वो खाली जगह है, पीछे की जगह खाली है, वहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए गाइस, पीछे जो है यहाँ पे कुशनिंग सीटिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा सामान रखने के लिए। चलिए इसका इंजन देखते हैं और ओनर से पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये देख लीजिए गाइस, ये इसका इंजन रूम है, 660 सीसी इंजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजन की कंडीशन देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। चलिए ओनर से मिलते हैं। जी सर, गाड़ी के बारे में बताइए। सर ये 12-18 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, अपना इंजन पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, ठीक है, फर्स्ट ओनर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जी हर चीज़ के, टैक्स हर चीज़ अप टू डेट है, ठीक है, इसमें कोई मसला कोई इशू कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है, बंदा गाड़ी ले और चलाए जस्ट बाय एंड ड्राइव, जब बाय एंड ड्राइव, ठीक है, हमारा जुमला बोल रहे तो आप। अच्छा चलिए ये बताइए कि डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी। सर इसकी डिमांड है 12,25,000। 12,25,000 डिमांड है, फाइनल कितने होंगे? फाइनल इसके 12,00,000 हो जाएंगे। 12,00,000 फाइनल हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, 03112676716। ठीक है गाइस, गाड़ी आपने देख ली, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गया, गाड़ी समझ में आए तो सर से रब्ता कर लीजिए 15 दिन के अंदर अंदर। फोर व्हील खड़ी हुई है, 3600 सीसी RKR फोर व्हील, आर्मी ऑप्शन जिसे कहते हैं। मुझे थोड़ी सी डिटेल इसकी भाई ने बताई है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी गाड़ी आपके सामने है गाइस। ये देख लीजिए फोर व्हील है, RKR 3600 सीसी इसका इंजन है, और गाड़ी मैं दिखाता हूँ ओवरऑल आपको, और फिर ये जो ऑनर है उनसे हम डिटेल लेंगे। इसकी गाड़ी देखिए आपके सामने, ये देखिए गाड़ी की कंडीशन। अच्छा इसमें जो है ना ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी जो है वो शावर हुई हुई है, बाकी हम सर से पूछेंगे कि क्या सीन है, शावर हुई हुई है क्या है, क्योंकि पुराना मॉडल है तो जाहिर सी बात है गाड़ी तो शावर होगी। ये देख लीजिए, ये इसकी लेफ्ट साइड देखिए, अलॉय रिम चेक कीजिए इसके,
चलिए इसकी बैक साइड दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए गाइस, लैंड क्रूजर टोयोटा, बैक साइड इसकी देखिए, ठीक है। अभी इसकी जो हम आपको राइट साइड भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसका इंटीरियर दिखाते हैं सर आप लोगों को, इंटीरियर दिखाते हैं गाइस। ये देखिए गाड़ी का इंटीरियर देखिए गाइस, पावर विंडोज इसमें काम करती है, पावर विंडोज काम करती हैं भाई। पीछे एलसीडी भी लगी हुई है, ये देखें एलसीडी लगी है, पीछे कैमरा लगा हुआ है। गाड़ी की कंडीशन देखिए, इसको लेके बंदा नारायण गागन पहुंच सकते हैं यहाँ से आराम से। इंजन कौन, कितने सीसी बताया आपने? 3600 क्या सीसी? 3600 सीसी इंजन है, ठीक है। अच्छा ये तो खुलेगा नहीं, ये पीछे कैसे जाएंगे यहाँ से? वहाँ से जाएंगे, यहाँ से जा सकते हैं, सीट को गिरा सकते हैं, देखिए वहाँ से जा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इसमें जो है ना आप पाँच बंदे बैठ सकते हैं गाइस, ठीक है। गाड़ी को मैं ज़रा ऊपर से भी दिखा दूँ, ये देख लीजिए लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर, गाड़ी ऊपर जो है आपको सामान रखने की जगह है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये अगर आपने कोई नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में ट्रेवल करना है तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन गाड़ी। यहाँ पे भी एक लाइट लगी हुई है, यहाँ पे टो करने के लिए जो है वो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। इंजन दिखाते हैं इसका, चलिए आपको इसका इंजन दिखाते हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी बड़ा इसका इंजन रूम है, ये देख लीजिए। पहले इंजन रूम आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से, काफ़ी बड़ा इंजन रूम है और इंजन भी देखिए काफ़ी हैवी ड्यूटी इंजन है इसका। ये देखिए ज़रा कंडीशन आपके सामने है, कंडीशन कुछ इस तरीके की है। चलिए ज़रा सर से पूछते हैं, ओनर से, के गाड़ी के बारे में और इंजन वगैरह के बारे में पूछते हैं। बताइए ज़रा ओवरऑल गाड़ी के बारे में बताइए। अच्छा ये 1990 का मॉडल है, आर्मी ऑप्शन जो जीप्स होती हैं, और उसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है, ये रीपेंटेड है क्योंकि जब आर्मी के पास से आती हैं तो ये खाकी कलर में, ब्राउन कलर में होती है, तो उसके बाद लोग अपने हिसाब से इसको रीपेंट कराते हैं। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस कार इज कि ये ब्लू कलर इसका जो है ओरिजिनल इसकी बुक के ऊपर लिखा हुआ, अच्छा वही कलर किया गया जो बुक के ऊपर लिखा हुआ वही कलर किया गया, क्योंकि ये नेवी से आई हुई थी और उसी कलर को हमने मेंटेन करा, ठीक है, अपग्रेड करके। इसके अलावा V6 इसमें ये इंजन लगा हुआ है, 3600 V6 इंजन है, 6 सिलेंडर, 3600 CC का ये इंजन है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेड ईयर लगे हुए, गुड ईयर के टायर्स लगे हुए, ठीक है, ये मैंने दिखाए। हाँ टायर इसमें इम्पोर्टेड लगे हुए, अलॉय रिम भी बड़ी जबरदस्त किस्म के लग रहे हैं, अलॉय रिम्स लगे हुए, टायर लगे हुए, ये ऑफ रोडिंग वाले टायर्स हैं, ये नॉर्मल वाले नहीं है, ऑफ रोड के लिए जबरदस्त है। और इसके अलावा अंदर का इंटीरियर जो हमने पूरा चेंज करवाया था कम्फर्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें बेंच सीट आती है पीछे की साइड से जो आर्मी की जीप में, तो हमने इनको सोफे सीट्स में कन्वर्ट करवाया था इसमें नए मॉडल की सीट्स लगवा के, ताकि इसमें कंफर्टेबिलिटी इंसान, ठीक है। अच्छा अब सर ये बताइए कि इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ओके होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आर्मी ऑप्शन वाली गाड़ी है। साथ में ये भी बताइए कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई काम है, अभी अगर कोई खरीदता है तो काम कराना पड़ेगा? अच्छा इसमें जो है इस टाइम पे जैसे ये इंजन लगा हुआ V6, तो इसमें एक सिर्फ लोग ऑल्ट्रेशन ये करवाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें डीजल चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसको ज्यादा पानी में चलाना है तो उसमें डीजल ज्यादा फेवरेबल होता है, स्पार्क प्लग्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन डीजल का मसला ये है कि इस वक्त 500K+ का है डीजल इंजन इसका, तो नॉर्मली जैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ के लिए हम लोग एक दफ़ा इसको नॉर्दर्न लेकर चले गए और हमने इसको मतलब 1 फीट 2 फीट के से ज़्यादा पानी में बंदा कोई भी गाड़ियों नहीं चलाता, तो ये चलती रही है और कराची में भी बारिशों में चली है। तो हाँ अगर किसी को 4-4 फीट पानी में चलानी है तो वो फिर डीजल इंजन इसमें अपग्रेड करे, वो फिर 4-5 लाख का उसका अलग खर्चा होता है, ठीक हो गया, वरना नॉर्मल यूज़ के लिए और अगर आप छोटे मोटे पानी में इवन 2 फीट तक लेके जा रहे हैं इसको कोई इशू नहीं, ठीक है। वैसे इसमें कोई काम नहीं है जो इसके अलावा? नहीं नहीं उसके अलावा, ठीक है। ये बताइएगा कि इसमें एसी वगैरह की क्या सूरत है? जी जी एसी बिल्कुल बिल्कुल ओके है, एसी रनिंग कंडीशन में, पावर विंडोज हमने इसके अंदर करवाई है, एसी का कंप्रेसर लगवाया है, तो काफी ठीक है। तो डिमांड बताइए सर क्या कर रहे हैं? सर इसकी डिमांड इस वक्त 1.4 मिलियन है, 14 लाख 0.4 मिलियन 14 लाख रुपए इसकी डिमांड है गाइस। और इसमें कुछ नेगोशिएबल है कुछ? ये तो देखें जब आप बात करेंगे तो उसके मौके की मुनासबत से भी चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन या वो आप उसको एट मैक्स आप उसको 5% तक बोल सकते हैं, आई वुड नॉट इवन कॉल इट अ 10% नेगोशिएशन, तो 5% तक एट मैक्स आप उसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जिसपे लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333333
496-3112 दानियाल नाम। ठीक है गाइस, गाड़ी आपने देख ली, कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, ओनर का नंबर आपको मिल गया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सर से रابطہ कर लीजिएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर आप लोगों ने रابطہ करना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।